किया गया है जो मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, चाहे रमेश काका का गैंग हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, चाहे अन्य गैंग हो, बगल में कुंटू सिंह, ध्रुव सिंह का भी गैंग है, उसकी भी हमने 9 करोड़ की कबड्डी सीज करी है। रमेश काका की भी लगभग 1.6 करोड़ की कबड्डी सीज करी है। तो पूरे जोन में जितने भी इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, सबकी कार्रवाई की जा रही है। और लगभग 15 अगस्त तक इस साल में हम लोगों ने अराउंड 58 करोड़ की प्रॉपर्टी हम गैंगस्टर में सीज कर चुके हैं, ऑल टाइप ऑफ संगठित अपराधियों की। इसमें गौ तस्कर भी हैं, गौ कसी करने वाले लोग भी हैं। गौ कसी करने वालों में हमने बड़ा साफ निर्देश कहा कि जितने अपराधी हैं जो कर रहे हैं, वो गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, रासुका लगेगी, प्रॉपर्टी सबकी सीज होगी। ये जघन्य अपराध है गौकसी, अच्छी कार्रवाई हमें हुई है। लगभग 600 पूरे जोन में आपको बताना चाहूँगा, 662 गौ तस्करी और गौ कसी करने वालों हमने गैंगस्टर लगाया है, जिनमें से 259 की स्टिकशीट खोली हैं, 4 पे कार्रवाई रासुका की हुई है, 60 गैंग रजिस्टर्ड किए गए और 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी सीज की गई है। इसी प्रकार सारा माफियाओं में भी हम लोगों ने 112 पे गैंगस्टर लगाया है, लगभग 4.25 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है, 20 गैंग रजिस्टर्ड किए गए हैं और टोटल जो संगठित अपराधी हैं लगभग 1499 के खिलाफ हमने गैंगस्टर कार्रवाई करी है, 847 की स्टिकशीट खोली हैं, 135 गैंग रजिस्टर्ड कराए हैं, 15 पर रासुका लगाई है। तो हमारा पूरा ये है कि जितना टॉप 10 अपराधी, इन सबके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जो भी संगठित अपराध में इन्वॉल्व होगा, हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होगा, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, जरा बताए जो किए गए हैं वो 12 लोग गैंग से ताल्लुक, 21 गैंग से नहीं, जिला बता, बहुत सारे लोग हुए हैं, टोटल जो अब पूछिए संबंधित टोटल 12, अभी तक जो मुझे बताया गया कि 12 आदमी जिलाबदर हुए हैं। और वो किस गिरोह से थे? 12 एक ही गिरोह के हैं? ये 12, देखिए ये 12 तो इसमें एक गिरोह नहीं होता है, विभिन्न सहयोगी होते हैं, जो माफिया जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, विभिन्न एक्टिविटीज में होते हैं, वो उनके 5-6-10 गैंग भी हो सकते हैं, लेकिन एक कहीं कहीं से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये 12 किए गए। सर, मोहम्मदाबाद पुलिस ने टड़वा गांव के रहने वाले 13 वर्षीय बच्चे पर गैंगस्टर लगाया है, गुंडा है। देखिए, ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, ना कोई मुझे शिकायत करी है। यदि आपके संज्ञान में ऐसा मामला है तो आप एसपी को दे दीजिएगा, वो दिखवाया जाएगा कि नियमानुसार है कि नहीं। सर, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए यहाँ क्या इंतजाम किया, जैसा कि अभी लगातार हमला हो रहा, हत्या हो रही है? नहीं, देखिए, हमारे जोन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जहाँ तक आप बलिया का जिक्र करना चाह रहे हैं, जहाँ एक परसों हत्या हुई थी। इस हत्या की बैकग्राउंड आपके सभी संज्ञान में है ऑलरेडी, पट्टीदारों का विवाद था आपस में, पट्टीदारों ने हत्या करी है। दिसंबर में भी दोनों पार्टियों में विवाद हुआ था, दोनों की क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई थी और दोनों के इसमें चार्जशीट लगी थी। तो पुरानी एनिमिटी तो पट्टीदारों के बीच में चल रही थी, उसी के क्रम में एक जगन ये हत्या हुई थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसमें 10 मुलजिम थे, उनमें से 5 मुलजिम वही थे जो पहले भी केस में थे, जो दिसंबर में जब आपसे मारपीट हुई थी। 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें केवल गिरफ्तारी नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट वगैरह में भी इसमें कार्रवाई होगी। एक मैसेज दिया जाएगा, कानून को कोई अपने हाथ में लेने की हिम्मत ना करे, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस बार की जो घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई का। देखिए, पुलिस किसी का इनकाउंटर नहीं करती है, कोई भी पुलिस पर गोली जब चलाता है तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। आप सेल्फ डिफेंस का अधिकार पुलिस को भी है, आपको भी है, आम पब्लिक को भी है। सर, इंस्पेक्टर रैंक के बहुत सारे यहाँ पर अधिकारी समाचार संकलन में कुछ गए, पत्रकारों के साथ भी अभद्र व्यवहार। खबरें वो जो बने सुर्खियाँ, अंदाज ऐसा जिसे अब तक न देखा न सुना, देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण, सिर्फ खबर ही नहीं खबर के अंदर की खबर जानने के लिए देखें तहलका.in।